1 अगस्त सूरत गठबंध के समर्थन में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सरदार शहर के सोनपाल सर के नैमी चंद एवं बिमला के साथ हुए अन्याय के विरोध में बाजार बंद रहेगा। 3 जुलाई से 8 जुलाई तक चले घटनाक्रम में नैमी चंद गायक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। बिमला नायक के साथ अमान्य व्यवहार किया गया। केस में हत्या की धारा नहीं जोड़ी गई के विरोध में कल 1 अगस्त को सूरतगढ़ बाजार बंद रहेगा। सूरतगढ़ से गोविंद भागर्भ की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। इस मुर्दा सरकार के खिलाफ हमें अपने हक के लिए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें खुद लड़ना होगा। हम सेफ रहे, हमारी बहन बेटियां सेफ रहे, इसके लिए हमें आगे आना होगा, जागरूक होना होगा। क्योंकि आपको सबको पता है एक घटना और हो चुकी है अपने यूपी में। यूपी में वो सरकार है, ये इंतजार कर रही है कि वो बेटी कब मरे। मरकी हाँ, तो वो मरने का ही इंतजार कर रही थी कि वो बेटी मर जाए तो बीजेपी के एमएलए को बचाया जा सके। अगर हमें सुरक्षित रहना है, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है भाइयों। और जो अपनी सरदार शेरवारी, आपको पता ही है, इस बहन के नाखून निकाले गए हैं, दुराचार किया गया है, पूरा अत्याचार किया गया है, उसके देवर की हत्या की गई है, अभी तक वो मुजरिम खुला घूम रहे हैं। उनको कम से कम हत्या के जुर्म में गिरफ्तार तो करना चाहिए ना, उनको अच्छी से सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी। इसके लिए कल बंद घोषित किया है, उसमें हमें ही उस वो शांति बनाए रखने की, कल सूरतगढ़ हाँ कल सूरतगढ़ बंद है, उसके लिए हमें ही जागरूक रहना पड़ेगा। अभी कोई भी दंगा ना हो, यह बीजेपी सरकार है, कुछ भी करा सकती है हमारे इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। उसकी भी जिम्मेवारी हम खुद को उठानी होगी कि शांति प्रक्रिया से बंद रहे, यह हम सबकी जिम्मेवारी है। और हम तो चाहते हैं कि हमारा आंदोलन है वो शांति प्रक्रिया से ही हो, क्योंकि जो मुर्दा सरकार है इसके खिलाफ हम खुद को ही लड़ना है। और जब हम लड़ते हैं तो जो सरकार है आपको पता ही है, मरवाने के लिए तैयार ही रहती है, इनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।